खाने की ठीली। मम्मी जी, ये गर्मियों के इतने लंबे लंबे दिन होने लगे हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ, दिन ही नहीं कटता। और अब ये बोरियत वाली बात सुनकर ना आप मुझसे झगड़ा मत शुरू कर देना, क्योंकि आपसे झगड़ा करके आजकल मेरा मूड फ्रेश ही नहीं हो रहा, बोर हो गई हूँ मैं आपसे झगड़ झगड़ के। क्या करें, कुछ तो एक्साइटमेंट होना चाहिए ना लाइफ में। अरे बहू, थोड़ा हाथ पैर हिला कर घर के काम कर लिया कर, घर भी साफ हो जाएगा और तेरा टाइम पास भी हो जाएगा। और ये जो दिन रात लड़कर तू मेरा बीपी बढ़ाती है ना, वो तेरे लिए टाइम पास करने का तरीका है क्या? क्या मम्मी जी, अब फिर वही लड़ाई वाली बात लेकर बैठ गई। बोला ना मैंने, मेरा झगड़ा करने का मूड नहीं है। और क्या है ये, आप हर समय बस काम का रोना लेकर बैठ जाती हो। अरे हम औरत है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर समय बस काम ही करते रहे। अरे हमारा भी तो मन कर सकता है ना कि हम भी कभी कुछ अलग एक्साइटिंग करें। ये तेरी जलेबी जैसी गोल गोल बातें मेरी तो समझ से एकदम बाहर है। तो साफ साफ बता क्या कहना चाह रही है। मम्मी जी आप ही बताओ, क्या हम सारा जीवन ये रोटी कपड़ा और मकान करते करते ही बिता देंगे? हमारी अपनी कोई लाइफ है या नहीं? आप ये सोचो, अगर मैं भी कुछ पैसे कमाने लगूँ तो कैसा हो? हम भी एक मेड रख सकते हैं, किटी ज्वाइन कर सकते हैं, डिज़ाइनर कपड़े पहन सकते हैं। सोचो सोचो जरा। अरे चुप कर तू, सब समझ रही हूँ तेरी लच्छेदार बातें मैं। अब तू मुझसे यही कहेगी कि तू कहीं छोटी मोटी नौकरी करेगी और ये घर का पहाड़ जैसा काम मैं कर लूँ। तो मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली। अरे मम्मी जी, आपकी सोचना वहीं अटकी रहती है। ऊपर ऊपर उठिए ना थोड़ा सा। और मैं कुछ और ही कहना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारा घर का काम भी होता रहे और कुछ कमाई भी होने लगे तो कैसा रहेगा? दिमाग घुमा के रख दिया मेरा, साफ साफ कुछ कहती क्यों नहीं? एक घंटे से लच्छेदार बातें कर करके मेरे दिमाग की दही बना रही है। हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, बताओ कैसा आइडिया है? हैं, अब ये क्या नया तुर्रा पा लिया तूने? क्या होती है ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग हमें नहीं पता। अरे मम्मी जी, ब्लॉगिंग का मतलब हम अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे ना, वो सब वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते रहेंगे। अच्छा, और तेरे ये टेढ़े मेढ़े कामों का सोशल मीडिया पर देखेगा कौन? इतना खाली कौन बैठा है? अरे मम्मी जी, आजकल यही तो ट्रेंड है, किसी को अपने जीवन की पड़ी नहीं है, सबको ये देखना है कि दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, बहुत मिल जाएंगे देखने वाले, आप बस मेरे साथ शुरुआत तो करो। बहू के कहने पर दोनों सास बहू अपना एक ब्लॉगिंग चैनल शुरू करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके चैनल पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं। अरे बंद कर ये वीडियो का झमेला, परेशान हो गई हूँ तेरे हर समय कैमरा लेकर घूमते रहने से। मैंने कहा था ना, कोई नहीं देखने वाला तेरा ये ब्लॉग व्लॉग। अब चुपचाप से घर के कामों में ध्यान लगा। मम्मी जी, मुझे ना अब समझ में आ गया है कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। आजकल ना फूड ब्लॉगिंग टॉप पर चल रही है, और ये देखो जितने भी पेज है ना, सब पर मिलियंस में व्यूज़ है। इसका मतलब व्लॉग तो हम बनाएंगे, बस हमें थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। मतलब तू अब खाना बनाना सिखाएगी? अरे मम्मी जी, मुझे कौन सा खाना बनाना आता है जो मैं खाना बनाना सिखाऊंगी? मैं तो खुद कच्चा पक्का बनाकर किसी तरह अपनी ज़िंदगी चला रही हूँ। हम लोग क्या करेंगे, हम गली मोहल्ले में नुक्कड़ों पर जो छोटे छोटे ठेले वाले खड़े रहते हैं ना, उनका वीडियो बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि ये छोटे छोटे चाट पकौड़े वाले खड़े रहते हैं ना, उनके पास कितना बढ़िया और लजीज खाना मिलता है। हमारे वीडियो को देखकर लोग ठेले वालों को जानना शुरू कर देंगे, इनकी बिक्री बढ़ेगी तो हमें इनसे कमीशन भी मिलेगा और व्यूज़ भी आएंगे, तो कमाई तो हमारी होनी है। और आजकल ना वही काम चलता है जो थोड़ा अलग होता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट के ब्लॉग तो बहुत लोग बनाते हैं, हम उन लोगों के ब्लॉग बनाएंगे जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। बताओ कैसी लगी? अच्छा चल ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या आ जाता है? अगले दिन दोपहर में, तो दोस्तों आज हम आपको मिलवाएंगे घंटा घर पर एक छोटे से पीपल के पेड़ के नीचे चाट का ठेला लगाने वाले हमारे चंदू चाट वाले से। चंदू भैया यहाँ पर पिछले 10 सालों से अपना ठेला लगा रहे हैं और हर रोज़ तकरीबन 200 से 300 प्लेट चाट बेच देते हैं। अरे यहाँ के इलाके में बड़ा नाम है इनका, तो देखते हैं दोस्तों चंदू चाट वाले की चाट में कुछ दम है या नहीं। देखो भैया, हम लोग यहाँ पर आपसे एक पत्ता चाट खाएंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया चाट बनाकर हमें खिलानी है, क्योंकि आप जिस तरह से चाट बनाओगे वो सारा प्रोसेस हम लोग वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आपकी चाट जैसी भी बने हम बढ़िया ही रिव्यू देंगे कि आपने बहुत अच्छी चाट खिलाई है। आपकी इस वीडियो को हम लोग अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे,
जिसे हजारों लोग देखेंगे और फिर उसके बाद आपकी दुकान पर चाट खाने वालों की लाइन लग जाएगी। लेकिन मैडम, आप मेरे साथ इतनी भलाई क्यों कर रही है? अरे भैया, भलाई भलाई कुछ नहीं है, ये काम है हमारा। जैसे तुम्हारा काम चाट बेचना है, वैसे ही हमारा काम लोगों को आपके जैसे चाट वालों से मिलवाना है। तो ऐसा करते हैं, सेटिंग पहले ही कर लेते हैं। आपकी इस वीडियो के बाद आपके पास जितने भी लोग आएंगे उसका कमीशन आपको मुझे देना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं मैडम, हमें इन सब लफड़े में नहीं पड़ना। अरे इसमें लफड़े वाली कोई बात नहीं है, सुपरस्टार बन जाओगे तुम पूरे गांधीनगर में, हर कोई पहचानेगा तुम्हें। अरे मुझे कोई छोटा मोटा ब्लॉगर समझ रहे हो क्या? ठीक है, अगर मुझे मुनाफा हुआ तो आपको कमीशन दे दूंगा, लेकिन पहले कुछ हो तो, मेरा तो दिन का 500 का भी कमाई नहीं होता। अरे थोड़ा स्टैंडर्ड सुधारो, हाथ में दस्ताने पहना करो, और ये बर्तन सब नए ले लो, थोड़ा ठेला पेंसेंट करवाओ, तब जाकर लगोगे ना सेलिब्रिटी ठेले वाले। जैसा कि गीता ने सोचा था, वाकई उनका वीडियो वायरल हो जाता है और उनकी वीडियो के व्यूज़ मिलियंस में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण चाट वाला भी गांधीनगर का स्टार चाट वाला बन जाता है और उसकी दुकान के आगे लंबी लाइन लगने लगती है एक हफ्ते के बाद। तो दोस्तों, आज हम देखने आए हैं कि चंदू चाट वाले की वीडियो वायरल होने के बाद आखिर उनकी चाट की दुकान किस हालत में है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, चंदू चाट वाले की दुकान के आगे तो लंबी लाइन लगी हुई है। अगर आप भी ये मौका नहीं गंवाना चाहते तो आज ही अपना चाट का पत्ता बुक करना ना भूलें, नंबर नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा है। थैंक यू। देखो भैया, मैंने कहा था ना आपको चंदू स्टार बना दूंगी मैं। अरे मैडम, आप तो भगवान की तरह हो मेरे लिए। अरे मेरे जिस ठेले पर पूरे दिन में 50 ग्राहक नहीं आते थे, अब वहाँ 500 ग्राहक आ रहे हैं। इतनी बिक्री हो रही है कि मैं घर से कितना भी माल ले आऊँ सब 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाता है। ये लो मैडम, 2000 रुपये आपका कमीशन। और हाँ, आती रहना आप, हर बार 2000 का कमीशन पक्का। जब से गीता के ब्लॉग से चंदू चाट वाला फेमस हुआ था, आसपास के चाट वाले पैसे देकर अपने ठेलों की वीडियो बनवाने के लिए गीता के पास आने लगे थे। एक तरफ लगातार व्यूज़ बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ ठेले वाले अपनी वीडियो बनवाने के लिए 5000 तक देने को तैयार हो गए थे। गीता और उसकी सास अब रुपयों में खेल रही थी और उन्हें ये नया नया पैसा और फेम बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन, अरे बहू, कोई नंदू है, सुबह से 3 बार फ़ोन कर चुका है, कह रहा है उसे अपने पिज्ज़ा पराठा स्टॉल का वीडियो बनवाना है। बेचारा कह रहा था धंधा बहुत मंदा है, पूरा दिन झक मार कर भी कोई ग्राहक नहीं मिल रहा उसको। चलो माँ जी, अब इतना कह रहा है तो चलकर आज उसका वीडियो बना ही देते हैं। गीता और उसकी सास जाकर पिज्ज़ा पराठा वाले का वीडियो बना लेते हैं और अपने चैनल पर बढ़ा चढ़ा कर उसे डाल देते हैं। अगले दिन, अरे यार बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। अरे दोस्त, तेरी भूख का तो बहुत अच्छा इलाज है मेरे पास। यहीं पास में एक पिज्ज़ा पराठा वाला 50 के 2 पराठे बनाकर देता है, ऊपर से ढेर सारी चीज़ और वेजिटेबल्स भी। मेरा तो देख के मुंह में पानी आ गया। चलना पिज़्ज़ा पराठा खाकर आते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा ठेला नहीं है, मिलियन व्यूज़ थे इस ब्लॉग पर। समर अपने दोस्त के साथ पिज़्ज़ा पराठा खाने के लिए ठेले पर पहुँच जाता है और स्वाद के चक्कर में 2-3 प्लेट एक्स्ट्रा चीज़ पिज़्ज़ा पराठा चट कर जाता है। कुछ देर बाद, गीता मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो, दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अस्पताल में, अरे फूड पॉइजनिंग हुई है आपको, ज़रूर कोई उल्टी पुल्टी चीज़ खाई है आपने। अरे सत्यानाश हो उस फूड ब्लॉगर का, जिसका वीडियो देखकर हम लोग वो पिज़्ज़ा पराठा खाने गए थे, स्वाद के चक्कर में मैंने 2-3 प्लेट पिज़्ज़ा पराठा खा लिया, लगता है उसी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। क्या पिज़्ज़ा पराठा? अरे कौन सी दुकान से पिज़्ज़ा पराठा खा कर आए हो तुम? अरे वही नेहरू नगर के नुक्कड़ पर जो खड़ा रहता है ना, उसी के पास गए थे। अरे एक नंबर के बेवकूफ़ हो तुम, किसने कहा था फूड ब्लॉगर की बात मानकर ठेले वाले से खाना खाने के लिए? तुम्हें नहीं पता कितना अनहाइजेनिक खाना होता है उन लोगों का? और जिस ठेले वाले के पास तुम खाना खा कर आए हो ना, उसका ब्लॉग मैंने ही बनाया था। 3-3 दिन उसकी दुकान पर कोई कस्टमर नहीं आता है, पता नहीं कितने दिन पुरानी चीज़ रखी होगी उसके पास। क्या ये घटिया वीडियो तुमने बनाकर अपलोड किया था? पर तुम्हें पता है कितने लोग तुम्हारी वजह से अस्पताल पहुंच गए होंगे? अरे तो किसने कहा है कि वीडियो देखकर सारी बातें सच मानने के लिए? वीडियो देखो, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाओ, हर वीडियो को इतना सीरियसली क्यों लेते हो आप लोग? मैं वीडियो सिर्फ व्यूज़ के लिए बनाती हूँ, इसलिए नहीं कि आप जाकर ठेले के बाहर लाइन लगा लो। ब्लॉगिंग मेरा काम है और जब मैं अपनी वीडियो से हज़ारों लाखों रुपये कमा रही थी तब तो तुम्हें बहुत मज़ा आता था। तब तो तुमने कभी नहीं कहा कि सोच समझ कर वीडियो बनाया करो। तब तो चंदू हो या रामू, सबका वीडियो बनवाने के लिए फट से हाँ कर देती थी तुम।
अब खुद पर बीत रही है तो कह रहे हो मेरी वजह से तुम अस्पताल पहुंच गए। ये फूड ब्लॉगिंग के नाम पर आजकल जो इन अनहाइजेनिक चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है ना, वो कितना खतरनाक हो सकता है आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। कोई पराठे वाला आधा किलो मक्खन लगाकर एक पराठा बना रहा है, तो कोई चीज़ पराठे में पूरे 200 ग्राम चीज़ डालकर चीज़ पराठा बनाकर खिला रहा है, कोई बटर आमलेट में मक्खन पिघला रहा है। ऊपर से ये लोग नकली, सस्ता और अनहाइजेनिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो हार्ट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और फूड पॉइजनिंग को बढ़ावा देते हैं। अरे इन सब में जितनी गलती इन ठेले वालों की है ना, सस्ती लोकप्रियता देकर उन्हें स्टार बनाने वाले ये ब्लॉगर भी कम दोषी नहीं है। और इन सब में सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है जो इन वीडियो से प्रभावित होकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए ऐसी जगह पर खाने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे एक आम आदमी को थोड़ा सा अपना दिमाग भी तो लगाना चाहिए। आप घर पर एक पराठा बनाते हैं तो एक चम्मच घी में पराठा बन जाता है। ये वीडियो खुले में दिखा रहा है कि एक पराठे में पूरा एक मक्खन का बार लगाकर पराठा बना रहा है और आप उसको चटकारे लेकर खा भी रहे। डॉक्टर की बात सुनकर गीता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं समर, चंद रुपयों के लिए अच्छा बुरा कुछ भी सोचे बिना मैं हर गली नुक्कड़ पर खड़े होने वाले चाट के अनहाइजीनिक ठेले को सुपरस्टार बना रही थी, बिना ये सोचे कि वो किस क्वालिटी का खाना प्रोवाइड कर रहा है। और इस तरह से मैं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ी कर रही हूँ। आगे से मैं ब्लॉगिंग करूँगी ज़रूर, लेकिन अब मेरी प्राथमिकता पैसे नहीं, सेहत होगी। मैं उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करूँगी जो सेहत के लिए सही है और जो अच्छा और हाइजीनिक तरीके से अपना खाना बना रहा है। हैं? तुम तीनों निगौड़ों ने शादी कर ली, वो भी इन तीन गरीब लड़कियों से? अरे ऐसा कौन सा खेत से उठा लाए हो इन्हें तुम? महिमा के तीन बेटे नील, समर और शौर्य तीनों भी अच्छी खासी नौकरी करते हैं। महिमा की हमेशा से इच्छा थी कि मेरे तीनों बेटों की शादी में अच्छे घराने वाली सुंदर और सुशील लड़कियों से ही कराऊंगी, जिनके मायके की तिजोरी में ढेर सारा पैसा हो और मैं जम के दहेज ले सकूं उनसे। बस पंडित जी से बात होए मेरी और वो धड़ाधड़ अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आए मेरे बेटों के लिए। लेकिन तीनों बेटों को अमीर नहीं बल्कि गरीब लड़कियों से प्यार हो जाता है। शौर्या को आस्था से, जो एक गरीब किसान की बेटी होती है, नील को प्रतीका से, जो एक अनाथ लड़की होती है और रेस्टोरेंट में काम करती है, और तीसरे बेटे समर को मीशा से, जो एक कुम्हार की बेटी होती है। और एक दिन तीनों बेटे एक साथ अपनी प्रेमिकाओं के संग शादी करके उन्हें घर ले आते हैं और उन्हें देखकर महिमा के तोते उड़ जाते हैं। ये क्या बेहूदगी है, तुम तीनों ने मेरी रजामंदी के बिना ही शादी कर ली और वो भी इन तीन गरीब लड़कियों से। अरे एक फूटी कोड़ी नहीं दे सकती ये तीनों, दहेज तो बहुत दूर की बात है। माँ हमें पता था कि आप इस शादी के लिए राजी नहीं होंगी क्योंकि हमें तीन गरीब लड़कियों से प्रेम है, लेकिन माँ हम तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ माँ, और आप अपनी ये दहेज जैसी दकियानों सी बातें अपने पास ही रखिए, हम इसे बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देंगे। इंसान पैसों से नहीं, दिल और मन से अमीर होता है। सॉरी माँ, लेकिन अब जिस राह पर चल रही हो ना, वो बहुत गलत है। दहेज जैसी प्रथा बहुत गलत है। अरे चुप रहो तुम तीनों बेवकूफों, दिमाग तो तुम तीनों भी कहीं बेच कर आए हो जो इन तीनों के प्यार में जोगी बन गए हो। चाहे जो हो जाए, मैं इन तीनों गरीब बहुओं को कभी नहीं अपनाऊंगी। फिर भी तीनों शादीशुदा जोड़े महिमा की पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। महिमा अब तीनों बहुओं के पीछे हाथ धोके पड़ जाती है उन्हें अपने बेटों से दूर करने के लिए। वो जानबूझकर महंगे कांच के बर्तन तोड़ती फोड़ती है और सारा इल्जाम अपनी तीनों बहुओं पर थोप देती है। हाय राम, देखो मेरे तीनों सपूतों, देखो कैसे तुम्हारी इन त्रिमूर्तियों ने महंगे बर्तनों का सत्यानाश कर दिया। अरे माना कि ये तीनों एकदम बढ़िया स्वादिष्ट लाजवाब खाना बनाती है, लेकिन ये सब क्या है? लेकिन सासू माँ, वो गलती से। अरे चुप, खबरदार जो मेरे साथ जुबान लड़ाई। तो तुम तीनों गरीब कहीं की? तुम तीनों ने कभी देखे भी है क्या ऐसे कांच के बर्तन? अरे कैसे देखे होंगे, मिट्टी के लोग जो ठहरे। माँ बस भी कीजिए। तीनों बहुएं खूब उदास हो जाती है। महिमा अपने बेटों को उनकी बीवियों की तरफदारी करते देख और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है
और वो उस सब का गुस्सा बहुओं पर उतारने लगती है। ए मिश्रा बहू, तू आज सारे कमरे और हॉल का एरिया साफ करेगी, एक भी धूल का निशान नहीं दिखना चाहिए मुझे। और तो प्रतिका बहू छत और आंगन साफ करेगी। आस्था मैडम, पहले पूरी रसोई को साफ करोगी और फिर मसाले कूटोगी और फिर सबका खाना बनाओगी। और आज 12 पकवान बनाने हैं तुम्हें, अलग अलग प्रकार के, और बेसन के लड्डू भी। ठीक है सासू माँ, ठीक है सासू माँ, ठीक है सासू माँ। महिमा ऐसे ही तीनों बहुओं को दिन रात किसी न किसी काम में व्यस्त रख देती और उन्हें एक मिनट के लिए तक चैन की सांस नहीं लेने देती। इन तीनों बहुओं के साथ तो ऐसी बदसलूकी ही करनी चाहिए। अमीर लड़के देखे नहीं कि बैठ गई कुंडली मार कर मेरे तीनों बेटे के जीवन में। ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। आगे आगे देखना कैसे कमर तोड़ काम करवाती हूँ इन तीनों से, इतना कि ये तीनों की तीनों थक हार कर खुद ब खुद मेरे घर से और मेरे बेटों की जिंदगियों से चली जाए। महिमा अपनी चाले चलना बंद नहीं करती और वो रोजाना तीनों बहुओं को किसी न किसी मुसीबत में फंसा कर उन्हें उनके पतियों से भी डांट खिलाती। ये क्या है आस्था, तुमने मेरी पूरी शर्ट जला दी, यू नो कितनी एक्सपेंसिव थी ये। ना तो कभी ऐसे महंगे कपड़े देंगे होंगे और ना ही कभी इस्त्री इस्तेमाल की होगी। ऐसा मत कहिए शौर्य जी। व्हाट द हेल यार प्रतिका, रूम का एसी और टीवी दोनों खराब कर दिया। सच में तुमसे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन मैंने तो टीवी को हाथ भी नहीं लगाया और ना ही एसी ऑन की, तो ये सब क्या अपने आप बिगड़ गया? मैं कह रही हूँ ना समर जी कि मैंने आपकी फाइल्स और घड़ी नहीं घुमाई। चुप रहो, तुम जैसे लो क्लास लोगों को क्या पता महंगी चीजों की अहमियत। खिलौना नहीं होता सब कुछ, तुम्हें ने घुमाया है मेरी 8,000 वाली वॉच। महिमा हॉल में ये सब सुनती है और बहुत हंसती है। बेचारी गरीब बहुएं मेरी, सारा रायता मैंने फैलाया है लेकिन इल्जाम इन तीनों बेकसूरों पर लग रहा है। तीनों बेटों बहुओं के रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। एक दिन तीनों बेटों की नौकरी छूट जाती है। क्या, लेकिन कैसे? वो हमारे कंपनी के ऑनर की मौत हो गई और उनका बिजनेस आगे चलाने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए अब क्या होगा? तुम तीनों में से तो कोई कुछ ना बोले वही सही होगा। तुम तीनों की वजह से ही मेरे बेटों का ये हाल है। पनौती हो तुम तीनों, पनौती। हम इंटरव्यूज देंगे अभी कहीं पर, लेकिन आज के टाइम में जॉब मिलना मानो कलयुग में भगवान को ढूंढने जैसा हो गया है। फिलहाल तो एक हफ्ते का खर्च निकल जाएगा। दिन बीतते हैं और घर में पैसों की समस्या खत्म ही नहीं होती। और तो और तीनों बेटों को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। उसी बीच एक दिन महिमा की तबीयत बहुत गंभीर रूप से खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे दिल की बीमारी है और जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए पूरे 30 लाख रुपए लग जाएंगे। सभी काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अगले 2 हफ्तों में अगर हमने पैसे नहीं इकट्ठा किए तो बहुत देर हो जाएगी। मिला जुला के हमारे पास 15 लाख रुपए हैं और 15 लाख की जरूरत है बस। तभी तीनों बहुएं आपस में कहती हैं, सुनो मेरे पास एक सुझाव है, हम तीनों भी बढ़िया खाना पकाते हैं और खाना एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई भी पैसे खर्च करने से पहले नहीं सोचता, तो हम घर से टिफिन सर्विस शुरू करें क्या? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? मेरी चाची भी टिफिन सर्विस करती है, दिन के 500 से 1,000 डब्बे बेचेंगे। स्टेशन पर, नुक्कड़ पर, ऑफिस और बैचलर लोग हमारे टारगेट पे रहेंगे क्योंकि उनसे हमें बहुत मुनाफा होगा। वाव आस्था, क्या सॉलिड प्लान है। तीनों बहुएं रोजाना घर पे खाना बनाती हैं, फिर उसे बेचने बाहर जाती। तीनों बेटे भी उनकी इस काम में मदद करते और वहाँ हॉस्पिटल में महिमा को इस सब की कोई खबर नहीं होती। बहुएं स्टेशन, गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौक, चौराहे पर जाकर टिफिन बेचती और 10 दिन में ही वो खूब सारे पैसे कमा लेती हैं और किस्मत से उन्हें 2 बड़े ऑर्डर्स भी मिलते हैं जिनके उन्हें लाखों में पैसे मिलने वाले होते हैं।
दिन रात और खून पसीना एक करके बिना सोए अपनी सास के लिए पैसे इकट्ठा करने लगती हैं तीनों बहुएं, और 15 दिन में वो सारे पैसे जमा भी कर लेती हैं और महिमा का ऑपरेशन सही सलामत हो जाता है। ठीक होकर जब महिमा घर लौटती है तभी अपनी बहुओं के इस कमाल के बारे में सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती है। मुझे माफ कर दो मीशा, प्रतिका और आस्था बहू, मैंने तुम तीनों को बहुत सताया और आज तुम्हीं ने मेरी जान बचाई। सच में आज मुझे समझ में आया कि इंसान पैसों से नहीं दिल और मन से अमीर होता है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं तुम तीनों जैसी होनहार, निडर और मेहनती बहुओं की सास हूँ। तीनों बहुएं सास के गले लगती हैं और वो तीनों आगे भी अपना टिफिन बिजनेस जारी रखती हैं और महिमा अपनी तीनों बहुओं के साथ स्नेह और ममता से पेश आती है।